आजकल के वक्त में अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और झंडा किसी भी देश की शान होता है, उस देश के राष्ट्रपति का प्रतीक होता है जिस पर हर किसी को गर्व होता है। तो आज की वीडियो में हम आपको अमेरिकी झंडे की कुछ खास बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। साल 1958 में पहली बार एक अमेरिकी छात्र ने एक प्रोजेक्ट तैयार करने के दौरान अमेरिका के झंडे की परिकल्पना की थी, जिसकी गवर्नमेंट ने जम के तारीफ करने के साथ साथ उसे अपना लिया। अमेरिका के झंडे में 3 रंग मौजूद हैं, लाल, नीला और सफेद। लाल रंग जोश और ताकत का प्रतीक है, तो नीला सच्चाई और विशालता का, और सफेद रंग पवित्रता और मासूमियत का प्रतीक है। झंडे पर मौजूद 50 तारे अमेरिका के मौजूदा 50 प्रांतों को दर्शाते हैं। झंडे पर सफेद और लाल रंग की 13 पट्टियां उन ओरिजिनल 13 कॉलोनियों को दर्शाती है जो ब्रिटिश राज से अलग हुए और उन्हीं से अमेरिका का गठन हुआ। अमेरिका के झंडे को ओल्ड ग्लोरी के नाम से भी पुकारा जाता है। अमेरिका ध्वज का वर्तमान डिजाइन इसकी 27वीं डिजाइन है। इससे पहले ध्वज का डिजाइन साल 1777 में 26 बार आधिकारिक रूप से संशोधित किया गया है। इसका डिजाइन और रंग चिली, लाइबेरिया, मलेशिया और पुएर्टो रिको सहित कई अन्य झंडों का आधार रहे हैं। 14 जून 1777 से 1 मई 1795 तक यूएस ध्वज एक गोलाकार स्टार पैटर्न का उपयोग करता है, जिसे बेट्सी रॉस फ्लैग के रूप में जाना जाता है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।